स्मार्ट सिटी के कार्य हैं वो अंतर विभागीय समन्वय से ही कार्य होंगे, एक विभाग नहीं, उसमें बहुत सारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं सारे, वो इसीलिए कमिश्नर को कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया कि जिन जिन विभागों का समन्वय करके उन्हें कार्रवाई करें। स्मार्ट सिटी में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की प्रगति अच्छी है और ये कार्रवाई हो रही है। और आगरा जो है, आगरा हम लोग मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, कहीं इंडिविजुअल केस को मैं चेक करा लूंगा, बट ब्यूरोक्रेसी जो है पुलिस उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी देश की सबसे अच्छी ब्यूरोक्रेसी है और ये जनप्रतिनिधि जो है सभी इसमें इन्हें सम्मान देना चाहिए और निश्चित रूप से हम लोगों की ब्यूरोक्रेसी जो है वो योजनाओं का सफल संचालन करेंगे। और हाँ, उत्तर प्रदेश जो है वो विकास की दृष्टि से बेस्ट स्टेट है। एजेंट साइबर चुनाव आए उसके मद्देनजर जो स्कीम्स मैं बता रहा हूँ, स्कीम्स मैं आपको पूरे प्रदेश का बता दूँ, कमिश्नर साहब आगरा कमिश्नरी का बता देंगे, मगर आज की तारीख में प्रधानमंत्री आवास योजना में मुझे लगता है कि जितने आवास उत्तर प्रदेश में बने कहीं नहीं बने। ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना में 11 लाख आवास एक साल के अंदर ये बने, बहुत बड़ी बात। इसी प्रकार से अर्बन क्षेत्र में 6.5 लाख आवास, सौभाग्य योजना में आज की तारीख में कुल मिलाकर 64 लाख से ज्यादा कनेक्शन हम दे चुके हैं एक साल के अंदर वहां पर, और पूरे हिंदुस्तान में इतने कनेक्शंस कहीं नहीं दिए गए जितने उत्तर प्रदेश में दिए गए। कुल मिलाकर 80 लाख कनेक्शंस सौभाग्य के हम देंगे। ये यहाँ आयुष्मान भारत में, अब इसमें आयुष्मान योजना जो है ये सभी जगह संचालित हो गई है वहां पर, और बहुत जल्दी आपको फील्ड में काफी रिजल्ट आयुष्मान योजना में।